हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कोकोनट बर्फी। इंस्टेंट कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 1.5 कप मिल्क मेड है, ये 1/4 कप मैंने मावा लिया है जिसे मैंने भून के लिया है, ये थोड़ा सा पिस्ता है जो हमें गार्निशिंग के लिए लगेगा, ये हरी इलायची का पाउडर है जो 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, और ये ऑरेंज कलर है जो हमें बर्फी में डाला है। आइए इंस्टेंट कोकोनट बर्फियाँ बनाते हैं। ये थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट हमें थोड़ा सा भून के लेना है, कढ़ाई में डालते हैं, गैस की फ्लेम लो रखनी है और उसे हमें हल्का सा भून के लेना है। ये हमने कोकोनट को हल्का सा भून लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये अब हम कढ़ाई में मिल्क में डालेंगे। इसके साथ ही हम ये मावा इसमें मिक्स करेंगे। मावे को अच्छे से मिलाना है मिल्क में। ये हरी इलायची का पाउडर मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालती हूँ। अब हम ये डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डालेंगे। ये हमारे कोकोनट कवर भी तैयार हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। आधा हम ऐसा ही निकाल लेंगे और आधे में हम बाद में कलर डालेंगे। तो पहले मैं ये आधा निकाल लेती हूँ और फिर आधे में मैं येलो लेमन कलर डालती हूँ। 2 स्पून मैंने इसमें लेमन येलो कलर डाला है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओरिजिनल कलर का वेयर दिया है इसलिए मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम ये इसमें निकाल लेते हैं। ये पहले वाला लेयर मैंने इसमें डाला है, अब ये दूसरा वाला मैं इसके ऊपर। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी इंस्टेंट कोकोनट बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।